पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। आम बजट को लेके युवाओं में काफ़ी उम्मीदें हैं। अब अभी हमारे सामने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि केंद्र की योजनाएं देश के युवाओं के विकास में किस प्रकार मदद कर रही है। जी, जो हमारा आज का वर्तमान स्थिति है, ये इसमें हमें इस जो अमृत काल है, अवश्य ही हमें नज़र आ रहा है कि देश समृद्ध होगा और जो कुछ हमें बेरोजगारी की समस्या नज़र आती है उसका निदान हमें प्राप्त हो गया है। ये एक अच्छी बात है कि मात्र आश्वासन या नीति का आना ही नहीं, बल्कि उसके साथ सहायक ऐसी नीतियां और ऐसे संस्थान बने हैं जिनके माध्यम से युवा जो है वो अपने स्वयं अपने उद्योग अपने व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे। तो स्टार्टअप में आप जैसे जानते हैं कि स्टार्टअप बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम है, कि भारत में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अभी हुए हैं पिछले वर्षों में, और हमारे पास जो देखा जाए तो मेरे ख्याल से 1,24,000 लोग जो थे जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए पिछले दिनों में, और उस पोर्टल पर तो लगभग 7 लाख लोग जो हैं अपना स्टार्टअप पोर्टल पर जाके उन्होंने अपने वहाँ से सीखा। तो पूरा समाज में एक बड़ा जो परिवर्तन आ रहा है, विशेषकर आर्थिक जगत में हमारे यहाँ, कि रोज़गार अब सिर्फ सरकारी नौकरी एक माने नहीं रह गया है, रोज़गार सिर्फ प्राइवेट नौकरी के माने नहीं रह गया है। रोज़गार के मतलब कि आप स्वतः आगे आइए, कुछ आप भी ऐसा काम करिए, ऐसा उद्योग व्यवसाय लीजिए जिसमें आप भी 4 लोगों को रोज़गार दे सकें। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन मैं समझ रहा हूँ, और इस परिवर्तन की क्योंकि योजनाबद्ध है, इसके साथ सहायक अनेक संस्थान जुड़ चुके हैं, तो मैं सोचता हूँ ये एक क्रांतिकारी कदम है हमारी आर्थिक जगत में। ये थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। इनका कहना है कि केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और युवा इसका काफ़ी लाभ भी ले रहे हैं। नालंदा से कुमार प्रशांत, दूरदर्शन।